Hi guys, welcome to my channel Creativity and Kitchen with me. आज हम बनाएंगे कलश। इसके लिए सामान देखिए, एक छोटे से मटके की जरूरत होगी। जिस साइज का आपको कलश बनाना हो उस साइज का मटका लीजिए। इसके लिए आप बीड्स, टसल्स कुछ भी ले सकते हैं। और एक थर्माकोल बॉल टुकड़ा लीजिए, कुछ नारियल का जूट लीजिए ऊपर का, और एक ग्रीन कलर की और ब्लैक कलर की पॉलीथीन, और ये ग्लू गन। एक वाइट पेपर लेंगे, उस पर ग्रीन कलर की पॉलीथीन डालेंगे, और फिर एक ब्लैक पॉलीथीन। ग्रीन पॉलीथीन के ऊपर ब्लैक पॉलीथीन डालेंगे, उसके ऊपर फिर ग्रीन, और इसके ऊपर रखेंगे वाइट पेपर और इस पे प्रेस कर देंगे। पॉलीथीन हो गई है। अब हम मटके में नीचे से एक होल करेंगे, सेंटर से एक होल करेंगे और इसको कलर करेंगे इस तरह से। बीच से होल कर लिया है और इस पे कलर कर लिया है। अब हम थर्माकोल के टुकड़े से ये धागा डाल देंगे बीचों बीच से, सेंटर से। अब इसमें ये सारे पीसेस जोड़ लेंगे, चिपका देंगे बॉल्स में थर्माकोल के। इस तरह से नारियल तैयार कर लेंगे। अब इसमें लगाएंगे ये धागा। इस तरह से धागा नारियल पे लपेट देंगे, ये रेडी हो जाएगा। फिर हम इसके लिए लीव्स रेडी करेंगे। इस साइज के लीव्स 5 लीव्स काट लेंगे। इस साइज की 5 लीव्स हमने काट ली है। अब कैंडल लेंगे और जो ये नुकीला वाला हिस्सा है इस साइड से इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा सा लगाएंगे। इस तरह से हम 5 लीव्स रेडी कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से 5 लीव्स हमने रेडी कर लिए। कलश में 5 लीव्स लगती हैं। अब हम कलश को डेकोरेट करेंगे। हम कोई भी लेस लेंगे, जैसे हमने लिया है मिरर वर्क की लेस, इसको हम काट लेंगे। अब हम इसको
डेकोरेट करेंगे। कलर्स को डेकोरेट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं। अब हम इसमें लगाएंगे ये लीफ। लीफ भी ग्लू गन की मदद से ही लगाएंगे। इस तरह से सारी लीव्स लगा लेंगे। सारी लीव्स कंप्लीट होने के बाद इस कलर्स को हम इस तरह से इसमें डालेंगे, इस तरह से। तो ये जो है धागे को इस होल से अंदर की साइड निकाल लेंगे। अब हमने ये देखिए धागे को डाल दिया अंदर से कलर्स को। अब इस कलर्स को इसमें, इस नारियल को इसमें ज्वाइन कर देंगे ग्लू गन की मदद से, इस तरह से। आप चाहें तो इसे ऐसे ही कहीं रख सकते हैं। अगर टांगना है तो फिर जो है इसे आके कंटिन्यू करेंगे। इसमें एक नीचे डालेंगे, नीचे से जो निकला हुआ है उसमें बीड्स। ये देखिए बीड्स डाल दिए, कंप्लीट कर लिया। एक बीड्स ऊपर डाल दिए। अब इसमें टसल्स लगाएंगे नीचे। ये देखिए टसल्स भी लग गए हैं। अब इसमें ऊपर रिंग डालेंगे। रिंग लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा कलश तैयार हो गया है। आप इसे कहीं भी हैंग कर सकते हैं, डोर पर, मंदिर पर। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, इससे हमारा अगला वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।